डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के ट्रस्टी विलास गजघाटे ने कहा कि बौद्ध अनुयायियों का ऊर्जा स्थल कहलाने वाली दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण और विस्तार के प्रति सरकार की भूमिका उदासीन है। साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह में दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए 350 करोड़ रुपए निधि देने की घोषणा की थी, लेकिन 6 साल में फूटी कौड़ी नहीं मिली। उसी के साथ कोराड़ी मंदिर और ताजाबाद दरगाह परिसर के लिए निधि की घोषणा की गई थी। इन दोनों धार्मिक स्थलों के विकास कार्य अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। सरकारों के सौतेले व्यवहार से बौद्ध अनुयायियों में असंतोष है। अध्यक्षता में शिखर समिति की बैठक में 100 करोड़ रुपए की पहली किश्त मंजूर की गई। दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह के मंच से 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए नागपुर सुधार प्रन्यास को हस्तांतरित किया गया, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस संबंध में राकंपा प्रमुख शरद पवार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर विकास कार्य शुरू करने की मांग की गई है। गजघाटे ने कहा कि दीक्षा भूमि उत्तर दिशा में मध्यवर्ती स्तूप के पास कृषि विभाग की खुली जगह है। वह जगह दीक्षा भूमि को देने की सरकार से मांग की है। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भूसे से प्रत्यक्ष मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। उसके अतिरिक्त वर्धा रोड पर गौरशरण संस्था के पास कृषि विद्यापीठ की खाली जगह दीक्षा भूमि को देने की मांग की है। अंबेडकर स्मारक समिति के नव निर्मित कार्यालय की इमारत के बगल में ऐतिहासिक बौद्ध विहार है। सौंदर्यीकरण और विस्तार में उसका जतन किया जाएगा। गजघाटे ने बताया कि उस विहार में भदंत आनंद कौशालन का वास्तव्य रहा है। महाराष्ट्र राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनी याच पवित्र दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र पवित्र दिनी लाखो अनुयायांसमोर 350 करोड़ रुपयाच्या दीक्षाभूमीच्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मध्यवर्ती स्मारकासहित संपूर्ण दीक्षाभूमीचे नाविन्यपूर्ण आणि विकासपूर्ण योजनेचं एक योजना 350 करोड़ जाहीर केली। त्यानंतर दोनदा त्याचे प्रेझेंटेशन झाले, अनेक पाठपुरावे झाले, त्यानंतर त्यांनी 100 कोटीचा पहिला हप्ता मंजूर केला, त्यापैकी 40 कोटी रुपये घेऊन ते माहे 19 या ठिकाणी 40-100 कोटीची घोषणा केली, त्यापैकी 40 कोटीचा चेक नागपूर सुधार प्रन्यासला अर्पण केला, त्यांनी प्रदान केला। कारण याची नोडल एजन्सी ही नागपूर सुधार पडण्यास आहे। दीक्षाभूमी स्मारक समिती आपल्या खात्यात कुठलाही शासकीय फंड घेत नाही, नोडल एजन्सीकडेच तो फंड जातो। शासनाने जो निधी या दीक्षाभूमीला सँक्शन करते शासन, ते निधी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपूर।